आज हम पढ़ेंगे गुणा गुणा करें, देखिए गुणनफल और सब्जेक्ट हमारा होगा मैथ का। कैसे करेंगे, देखिए गुणा को गुणा करनी है, जहां पर को लिखा हुआ है, क्या लिखा है, को लिखा है, वहां पर हमें गुणा का साइन लगाना है। देखिए 13/15 ऐसे रहेगा क्वेश्चन में, लिखा हमने 13/15। अब देखिए को लिखा ना, को यहाँ पे गुणा है, क्या है यहाँ पे गुणा, और क्या बचा है 1/7, 1/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या दूसरे संख्या से कट रही है या नहीं, 7 के पहाड़े में 13 आता है, नहीं आता है, 15 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही है, नहीं, तो गुणा करिए। देखिए 13 की 1 से गुणा करने क्या आएगा 13, ठीक है, और 15 की 7 से गुणा करने क्या आएगा 105, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, 13 × 13 और 15 की 7 से गुणा करने क्या आएगा 105, ठीक है, बहुत आसान है, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या लिखा क्वेश्चन में, माइनस के 2/7, को मतलब क्या है गुणा, और क्या लिखा है 21/23, ठीक है। और देखिए क्या करना, 7 का पहाड़े में 21 आता है कितनी बार, 3 बार, 7 × 7, 7 × 21 कितनी बार आता है 3, देखो 2 का पहाड़ा 23 में आता है, नहीं आता है, 3 की किससे गुणा करेंगे 2 से, जो जो बचा से गुणा कर लीजिए, 2 × 3, और देखिए क्या बचा क्वेश्चन में 23, ठीक है, 2 की 3 से गुणा करना कितना आएगा 6 आएगा, और नीचे क्वेश्चन में क्या बचा 23, ये आगे इतना आसान आंसर। अभी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस ऐसे ही लिखेंगे सब जगह, अगर डबल माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे क्वेश्चन देखिए, और देखिए क्वेश्चन में ये माइनस दे रखे, क्या दे रखे, माइनस दे रखे, माइनस से 9/8 तो लिखेंगे नीचे, नीचे ऐसे दे रखे, 9/8 हमें गुणा का साइन, माइनस से माइनस क्या होता है प्लस होता है, करिया या तो इसे काट लीजिए एक दूसरे से, या माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा क्वेश्चन में, 16/13, देखिए 8 का पहाड़ा 16 में कितनी दफा आ जाता है 2 बार, 8 × 8 × 8 × 16 दो बार कर गया। अब देखिए दोनों को इससे पहले से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अब गुणा कर लीजिए, 9 की किससे गुणा करनी है 2 से, और नीचे क्या बचा क्वेश्चन में 13, ठीक है। अब देखिए 9 × 18, 9 की 2 से गुणा कर देते हैं 18, और नीचे क्या बचा क्वेश्चन में 13, तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन में 18/13, कितना आंसर, इजी आंसर है इसका। दूसरा देखिए क्वेश्चन में 7/6 है, गुणा ऐसे रहा, माइनस के 24 ऐसे रहा, नीचे कुछ नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, 6 का पहाड़ा 24 में कितनी दफा जा रहा है, कितनी बार, 6 × 24 4 बार, कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो आंसर कितना आएगा 7 × 4। अब 7 × 4 से क्या करनी है, गुणा करनी, 7 × 28, कितना इजी आंसर है इसका, -28 आ गया। दूसरे क्वेश्चन देखिए, और देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम इतना आसान से करेंगे चुटकियों में, कैसे देखिए, सब जगह गुणा का साइन है, क्या है साइन है। अब देखिए पहले इसे लिख लेते हैं, 1/5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बराबर गुणा 3/4 गुणा 5/10, ठीक है, गुणा क्या है 8/12, फिर गुणा
ठीक है, फिर बरसात बने ए। अब देखिए तीन का पहाड़ा चार में बारह में कितनी दफा जा रहा है, चार बार, तीन एकम तीन, तीन चौक बारह, कटिए कट गया तीन चौक बारह। अब देखिए चार का पहाड़ा आठ में कितनी दफा जा रहा है, दो बार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, दो बार कट गया ये, ठीक है। अब देखिए दो का पहाड़ा दस में कितनी दफा जा रहा है, दो एकम दो, दो पंजे दस, पांच बार कट गया, पांच से पांच ये भी कट गया, क्या बचा ये देख लीजिए, एक बड़े पांच बचा बोला, ये चार बटा एक बड़े चार बचा, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक मानेंगे एक तो एक बड़े चार आ गया बोला, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा सात बटे एक, ठीक है, जो बचे उसे ले लीजिए, देख लीजिए कुछ और तो नहीं बचा, बस खत्म। अब देखिए क्या करनी, एक गुणा सात, सात एकम सात एकम सात, तो कितना गया आंसर ऊपर, सात आ गया, ठीक है। अब पांच की चार से गुणा कीजिए कितना गया, बीस, बीस की एकम बीस, तो आंसर क्या आ गया सात बटे बीस। कितना टाइम लगा इसमें हमें, कुछ की दो एक मिनट लगे बस। और देखिए क्वेश्चन, देखिए आठ बटे एक सौ बीस, तीन बटे चार, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए चार का पहाड़ा आठ में कितनी दफा जा रखा है, ये देख लीजिए, तीन बटे चार, चार एकम चार, चार दुनी आठ, दो बार गया, ठीक है। दो का पहाड़ा एक सौ बीस में कितनी बार आएगा, छह बार, दो छह बारह, तो कितना गया सात आ गया, जीरो बढ़ गई, तो क्या बचा क्वेश्चन में, एक बटे सात गुणा तीन, तीन का पहाड़ा सात में कितनी दफा जा रहा है, दो दफा तीन दुनी छह, जीरो की जीरो ऐसे आ गई, तो आंसर कितना गया एक बटे बीस। कितना आसान क्वेश्चन था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई समझ नहीं आ रहा।